देखिए ये बात कई लोग सवाल करते हैं कि आपने नीतीश कुमार की, मैंने नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की, उनके साथ हम रहे भी करीब 1.5-2 साल रहे उनके साथ, उनके घर में रहते थे बहुत, और मेरे मन में नीतीश कुमार के लिए बहुत सम्मान रहा है। लेकिन आपको और बिहार की जनता को एक बात समझना चाहिए कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 14 में लोकसभा के चुनाव में जदयू को 2 सीट आई, नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन एक मोरल राजनीतिक मोरालिटी के नाते उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार 2021-22 में 2020 के चुनाव में चुनाव हार गए, 243 विधायकों की विधानसभा में आपको 43 विधायक आए तो आप तो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके, पीछे दरवाजे से मैनिपुलेट करके हर हालत में वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। तो ये दोनों नीतीश कुमार में समय और उम्र के हिसाब से काफी फर्क है। और दूसरी बात कि जो वादे, जो कार्यक्रम बनाए गए 7 निश्चय के 2015 में, उसको तो नीतीश जी ने पूरा नहीं किया। अगर 7 निश्चय को आधा सुधा भी पूरा कर दिया गया होता तो बिहार की स्थिति, बिहार के लोगों की स्थिति कई मायनों में बहुत बेहतर होती। तो आप जो व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक मोरालिटी है, जो इथिक्स है, उस पर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, और जो सरकार के विकास का, गवर्नेंस का, डिलीवरी का एजेंडा है, उस पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो किस आधार पर अब समर्थन उनको दिया जाए? मेरी पदयात्रा करने से पहले नीतीश कुमार जी से लंबी मुलाकात हुई, पहले मार्च में दिल्ली में, और पदयात्रा से पहले मैं पटना में भी उनसे लंबी बात मेरी हुई। मैंने ये सवाल उनको उस समय भी करा, उनका आज भी उस समय भी यही कहना था कि आप आइए साथ में, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने उनको उस समय भी यही बात कही कि नहीं, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि 14-15 के नीतीश कुमार, जदयू, उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी उसमें, और आज के नीतीश कुमार और उनके कार्यशैली, उनके क्रेडिबिलिटी, जमीन आसमान का फर्क है, इसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आज महागठबंधन की सरकार में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम मंत्री के तौर पर 2015 में महागठबंधन में आरजेडी ने सुझाया था, और उन चारों नामों पर ऑब्जेक्शन किया गया, उनको ड्रॉप किया गया कि नहीं, इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी छवि दागदार थी। आज वही 4 लोग कैबिनेट में मंत्री हैं। 15 के नीतीश कुमार और 22 के नीतीश कुमार में फर्क आपको नहीं दिख रहा है? जमीन आसमान का फर्क। आज नीतीश कुमार की बस एक ही प्राथमिकता है, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, बाकी जिसको जो करना है वो कर ले, अफसर को अगर लूटना है लूट ले, अफसरशाही चलानी है चल ले, जिसको नेता बनना है, जिसको मंत्री बनना है, जनता का चाहे कुछ भी हो, मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। 14-15 में नीतीश कुमार की चिंता ये थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं नेतृत्व करूं और बिहार के लोगों का भला हो, विकास हो, एक व्यवस्था बने, वो और आज दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए उनके साथ नहीं है।